नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुथमन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी रिस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप डायलिसिस पेशेंट हो। रिस्ट में इम्प्रूवमेंट लेकर आना, मूवमेंट लेकर आना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिस्ट अच्छी चल रही है तो चीज़ों को पकड़ने, रखने में, ग्रिप करने में, काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। और रिस्ट की एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं, पूरे आर्म की कर रहे होंगे बट कहीं ना कहीं हमारी रिस्ट हम छोड़ देते हैं। तो उसी को आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरह से हम अपने रिस्ट के अंदर पावर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेचिंग। तो अक्सर हम पैरालिसिस पेशेंट के हाथ कैसे देखते हैं, उनके हाथ हमारी तरह सॉफ्ट नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, उनके हाथ कुछ ना कुछ इस तरह से टाइट बने होते हैं। तो पहली चीज़ होती है स्ट्रेचिंग। तो आपने फिंगर्स खोलनी है, ठीक है, और पीछे की तरफ लेके जाना है। आपको दर्द होगा, परेशानी होगी, आपने उसे सहना है। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है जो आपको ऑयल दिया जाता है उसे मसाज कीजिए, हीट अप्लाई कीजिए, मसल को रिलैक्स कीजिए और फिर ये स्ट्रेचिंग को कीजिए। और इसको यहाँ पर पकड़ के भी रखिए, सिर्फ ऐसे करके ऐसे करने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा पेन लेंगे तो वो फ़ायदेमंद रहता है रिस्ट की एक्सरसाइज के अंदर। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। एक बार आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आपका हाथ काफ़ी हद तक सीधा हो जाता है। तो आपने टेबल पर रखना है और इसको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। एक बार सीधा करेंगे फिर इसको उल्टा करेंगे। कितनी देर करेंगे इसको, अगर आप 2 मिनट भी कर लेते हैं तो भी सफिशिएंट रहता है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत इसको नहीं होती, ठीक है। तो आपने इसको मान लीजिए कि 60 से 70 बार आपने इसे रिपीट करना है और एक बार करने के बाद आप अपने हाथ को इस तरह से वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन पर ले आएंगे। तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, अपना दूसरा हाथ पकड़ेंगे और इसको सर्कुलेट घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस है और हमारा ये कलाई नॉर्मली इस तरह से मुड़ जाती है, घूम जाती है, अब वो घूम नहीं रही है। अब जो वो काम नहीं कर पा रही उसे हम करवाएंगे अपने दूसरे हाथ की मदद से। आपने कोशिश करना है कि जो आपका हाथ का आप सहारा ले रहे हो वो कम लेना पड़े, मूवमेंट आपकी यहाँ से निकले, यहाँ से ना निकले, यानी जो हाथ हमारा पैरालाइज्ड है उससे मेहनत करवानी है। इसने सिर्फ सपोर्ट करनी है, डायरेक्शन देनी कि आपने जाना कहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं होता, तो हम ये वाली जो मूवमेंट है करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज के ऊपर, वो है आपकी रिस्ट की बेंडिंग। अब हम अपने हाथ को देखें तो ये मूवमेंट हम कर पा रहे हैं। अब आप पैरालिसिस के अगर पेशेंट हैं तो ये मूवमेंट आपकी नेचुरल तरीके से नहीं हो रही होगी, तो हम उसको असिस्टेड करेंगे, अपने दूसरे हाथ से मदद करेंगे और इसे पूरा की तरफ पीछे लेके जाएंगे। कितनी बार करेंगे, 60 टाइम इसको हम करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट से के आसपास का टाइम लगेगा, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 सेकेंड में एक मूवमेंट हो जाती है। असिस्टेड है, दूसरे हाथ से करनी है। फिर कह रहा हूँ, कोशिश करनी है कि आपका पैरालिसिस वाला हाथ दम लगाए। इसको अगर आपने मरे की तरह छोड़ दिया, डेड पार्ट की तरह छोड़ दिया और सोच रहे हो कि इसी हाथ से सब कुछ करना है, ऐसा मत कीजिएगा, आपको कोई भी फ़ायदा एक्सरसाइज से नहीं होगा। अब चलते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जिसके अंदर हम मूवमेंट करते हैं ये वाली। अब आपको ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर पैन करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा। तो आपने अपने हाथ को टेबल पे इस तरह से रखना है और कोशिश करनी है कि लेफ्ट जाए, फिर इसको सेंटर में लेकर आएंगे, फिर वो राइट साइड इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे। ये मूवमेंट वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, हर किसी इंसान के अंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये जो मूवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका हाथ नहीं हो रहा तो आप दूसरे हाथ का सहारा लेंगे, इसे खिसकाएंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, समझ में आ गया कि ये पार्ट यहाँ तक चला गया, जितना बचा सकता जाएगा, फिर इसको दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे। एक पैरालिसिस पेशेंट दोबारा से काम करने लायक बन सकता है, चाहे उसके लिए हमें एक्सरसाइज अपनी बदलनी पड़े, खाना बदलना पड़े या फिर मेडिसिन को बदलना पड़े। अगर हम ये तीनों चीज़ें करेंगी तो जैसे हम आपको अपने चैनल पर रिजल्ट्स दिखाते हैं, पेशेंट ठीक होते हुए दिखाते हैं, उस तरह से आप भी पहले से बेटर हो सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।